मैं गुलशन नगर में रहता हूँ। ये गली में बहुत सारी तकलीफें हैं, एक एक गिनने बैठे तो बहुत है, लेकिन मेन दो है इसमें, एक नालियाँ हैं, एक रोडा है, और जो है ना कुत्ते जो है ना बच्चों को तबाह कर दिए पूरा। हर तरफ रात होती खाली कुत्ते किधर उधर, खाली कुत्ते कुत्ते दिख रहे हैं। हम हर बार कंप्लेंट करें कमिश्नर को, कमिश्नर करे, AI को करे, सबको करे, खाली बोल रहे आ रहे कर रहे जा रहे आ रहे, कोई आके इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमारे को। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आखिर गवर्नमेंट करती नहीं करती? या तो कमिश्नर ऑफिस के सामने बोल दो कि हम भी कोई से भी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे पास आओ नको, हमको पूछो नको, हमको बोलो नको, तो हम क्या है आपके पास जाते नहीं, हमको जो करना है हम वो करते। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान देना चाह रहे, गवर्नमेंट को नुकसान देना चाह रहे, वो तो आप कर सकते। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे, देख रहे ना, मेमोरेंडम दिए, सब दिए, फिर भी हमारी तकलीफ कोई भी नहीं सुन रहा, तो अब क्या करना है? इसका सोल्यूशन ना कमिश्नर साइड पर आता, ना AI साइड पर आता, ना PCI साइड पर आता। हमारे टाउन, हमारे एरिया का लेआउट भी नहीं है किसी के पास भी जो नालियाँ बनेंगे बोले तो। अब हमारे हिसाब से हम गड़े काम होने वहाँ गड़े खोद दे रहे हैं, नालियाँ मुझ दे रहे हैं, उससे बात नहीं होती। वो हर किसी को तकलीफ होती, आज हमारे को ही कल दूसरे को होती। इसका परमानेंट सोल्यूशन होना हमारे को, ये क्या है टेम्पररी सोल्यूशन है, हमारे को क्या होना परमानेंट सोल्यूशन होना। मानिक राव साहब खाली बात बोलते, खाली हम ये कर देते, हम वो कर देते, क्या करते मानिक राव साहब? खाली बात क्या है मानिक राव साहब? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे गलियों में नालियाँ होना ज़रूरी है। और जो है ना कुत्तों का एक बहुत बड़ा खौफ हो गया बच्चों को, परसों ही 4-5 जनों को कुत्तों को बच्चों को काटे, क्या करना उनका? तो रिक्वेस्ट है हमारी कि जो है हमारे गली को आए, देखो खाली वोटा लेने आए तो नहीं होता, खाली वोटा के टाइम आते खाली वोट दियो, नमस्ते नमस्ते करते हैं, लेते चले आते, वो नहीं होता भाई। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे गली में आओ, हमारे गली में देखो क्या हाल है, क्या हम चुप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारी तकलीफ़ कैसी हो रही, देखो देख के हमारा भी थोड़ा हल करो भाई, वोट डाले हम अट्टी कुत्तों का लिए, था बेकार रखो करो हमारे वोटा को। यही हमारी एक आखिरी गुजारिश है कि हमारा गली में हर एक सुविधा हो, सुविधा यानी कि पूरे नहीं पूछ रहे हम, खाली रोड नाली कुत्तों का डर नहीं होना बता रहे। और ये देखो, और अब इधर बताओ, ये छोटो ये खरीद के डाल रहे हैं पैसे, यहाँ मट्टियाँ 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार डाल के यहाँ डाले, हर जगह मट्टी हम डालेना, गवर्नमेंट क्या करती फिर? टैक्स लगे पूछ रहे हैं उन लोगों हमारे घर को आके, हर जगह आता टैक्स पूछता ले जाता, टैक्स भर रहे हैं क्या हमारे भरे से, टैक्स काट रहे हैं क्या, पैसे कहाँ जा रहे टैक्स के पूरे? ये बात ये जो है ना, जो दादागिरी कर रहे हैं खाली म्यूनसिपालिटी वाले, खाली टैक्स ले रहे हैं चल जा रहे, लेकिन पैसे नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे एक रुपये का भी। हमारे को रोडा होना, नालियाँ होना, और जो है ना कुत्तों का बहुत खौफ है गली में, वो हो जाना। और ये लोग जो खाली प्लाटा पे जो दिख रहे ना, और वो हम कब्जा करने वाले हैं, कुछ किसके हैं वो नहीं मालूम हमारे को, अगर आके उन्हें सही अपना नहीं कर लिया ना तो कब्जा होता, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आते हम अग्री करते हैं, उसको सहते हम भी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमारा काम कर दो। गली में नाली का प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से हम नाली के लिए पूरा तहसील ऑफिस पूरा फिरे, मगर नाली यहाँ बनवा रहे नहीं, कोई भी आ रहे मगर खाली देख के चले जा रहे हैं, इसलिए नाली का प्रॉब्लम है। अपने कोई सर्टिफिकेट भी लिख के दिए मगर क्या उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। कल परसों में म्यूनसिपालिटी वाले आके लिए देख लेके गए मगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी भी, इससे अभी रोड नहीं है या नाली भी नहीं है। बारिश हुई तो पूरा भर जा रहा, पूरा बस्ती पूरा भर जा रहा, इसलिए अब न्यूज़ में हम देना पड़ रहा, मजबूरन है न्यूज़ में हम इत्तला करना पड़ रहा, इसलिए थोड़ा